नोएडा में जुम्मे की नमाज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए सेक्टर 58 में स्थित पार्क के लिए प्रशासन से परमिशन मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने इसे सार्वजनिक स्थल होने की वजह से नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद भी भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग पार्क के पास नमाज पढ़ने पहुंच गए और नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगे। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को हुई तो SSP भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और लोगों को नमाज पढ़ने के लिए रोक दिया। और हम लोगों को करीब वहाँ पे 20 लोग उपस्थित थे और सब लोग कहे गए सर हाथ भी मतलब हाथ जोड़ के कहने लगे सर आप हमको नमाज इतने 6-7 साल से हो रही है तो कम से कम जुमे की नमाज जो आधे घंटे का लंच होता है उसमें जो है हमें जो है लंच के दौरान ही नमाज भी पढ़ना होता है तो कम से कम आधे घंटे का जो 6-7 साल से कोई परेशानी नहीं हुई तो आप हमें नमाज पढ़ने दिया करें। हमने आज तक कोई कपड़ा कोई पार्क कब्जा नहीं किया और सपा की गवर्नमेंट भी 5 साल रही, इससे पहले BSP की गवर्नमेंट थी, कभी कोई पार्क कब्जा नहीं हुआ। सिर्फ आधे घंटे के लोग आते हैं और चटाई पे बैठ के जो है नमाज पढ़ लेते हैं फिर चले जाते हैं। इसी में इनको परेशानी हो गई है कि नहीं पार्कों में नमाज नहीं होगी, ये पब्लिक प्लेस है तो पब्लिक की तो नमाज पढ़ रही है, जबकि पार्कों में मैं ये दिखाऊंगा कि उसमें भेड़ के झुंड घुस जाते हैं, भैंसों के झुंड घुस जाते हैं, 4-5 साल से चार दीवारी की उसकी रिपेयर नहीं हुई है, पार्क के बाहर अवैध जानबूझ के अवैध डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया है, जबकि अवैध डंपिंग ग्राउंड कहीं और था, उस जमीन को किसी ट्रांसपोर्ट ने कब्जा कर रखा है जो अपनी गाड़ियां लगाता है बहुत सारा। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि कोई युवक आया था उसने ये कहा था कि अब आप लोग यहाँ नमाज कैसे पढ़ रहे हो किसकी इजाजत जी, उससे एक हफ्ता पहले जो है एक युवक आया टीका लगा हुआ था मोटा सा था, उसने अपना नाम वाम कुछ नहीं बताया, उन्होंने जो है धमकी उमकी देके गया कि आप जो है यहाँ नमाज क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा ये कोई छुपी हुई बात है, जबकि सेक्टर 58 के पुलिस वाले जितने वो भी नमाज आके पढ़ते हैं, पहले SHO जहीर साहब थे वो भी उन्होंने भी इसमें नमाज पढ़ी, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें क्या बात होगी कि नमाज पढ़ के चले गए, बोला नहीं अगले हफ्ते मैं पुलिस लेके आऊँगा, ये उसी के मारे हम डर के मारे ये लेटर DM साहब को देने गए और DM साहब ने जो है SP सिटी साहब के लिए मार्च कर दिया और उसके लिए सिटी मेजर साहब के लिए 58 थाना क्षेत्र में 58 सेक्टर में जो अथॉरिटी का पार्क है जिसके संबंध में कुछ व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पर धार्मिक प्रेयर्स के लिए परमिशन मांगी गई थी जिसकी परमिशन सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से अभी तक नहीं दी गई थी, उसके बावजूद काफ़ी भारी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए जिसके बारे में उनको अवगत करवाया गया कि भी किसी प्रकार की परमिशन अभी तक नहीं हुई है और यही सूचना संबंधित कंपनियों को दी गई थी। इसी यह सूचना किसी धर्म विशेष के लिए ना हो करके सभी व्यक्तियों के लिए है और आप सभी से उम्मीद की जाती है कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। मैं इस मामले पर केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है और नमाज के लिए उचित स्थान बना हुआ है जहां नमाज पढ़ना चाहिए। देखिए माहौल खराब करने के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं, कानून को तोड़ना माहौल को खराब करना, अगर शासन ने ये निकाला है तो जो भी देश के नागरिक हैं नमाज पढ़ें, उचित स्थान पे जाके पढ़ें, लेकिन अगर कानून को तोड़ते हैं तो माहौल को खराब करने का काम करेंगे तो शासन फिर कोई भी कदम उठाएगा। सर उस पर एक सवाल ये है, एक मिनट बहुत, उस पर सवाल ये है सर, ये इंडिविजुअल एक या दो कंपनियों के लिए कहा गया, जिले के लिए आदेश नहीं दिया गया, तो उनका कहना है कि अगर ये इस तरीके का कोई अगर आदेश करता है प्रशासन तो पूरे जिले में लागू होना चाहिए ना कि एक क्षेत्र में। जहां अव्यवस्था हुई होगी वहां उन्होंने की है, ये मैं शासन का प्रतिनिधि नहीं हूं। आपने मुझे पूछा अगर कानून शासन ने निकाला है नोटिस, तो नोटिस निकाला है, हम देश के लोग कानून को मानने वाले हैं, इसलिए उस कानून को जो तोड़ेंगे वो लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेंगे तो शासन उन पर कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि नोएडा में नमाज पढ़ने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। अगर प्रशासन ने सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी तो किसी को जबरन कानून तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। पुलिस को इस मामले में लोगों से बात कर मामले को शांत करना चाहिए। पंजाब केसरी TV के लिए नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।